सब्सक्राइब कीजिए एसएससी एग्जाम वॉरियर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी रेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए रेजिग्नेशन प्रोसेस आरआरबी ग्रुप डी के लिए नहीं होता, आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का रेजिग्नेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। रेजिग्नेशन प्रोसेस में आप लोगों का दो तरीके से रेजिग्नेशन होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, अपना नॉर्मल रेजिग्नेशन होता है। रेजिग्नेशन के बाद आप लोगों को एनओसी मिलता है जिससे आप लोग कहीं और अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अब देखिए रेजिग्नेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या आप लोगों का रेजिग्नेशन प्रोसेस होता है, क्या आप लोगों का टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन बढ़िया होता है, अपन नॉर्मल रेजिग्नेशन बढ़िया होता है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो, क्योंकि आप लोग रेलवे ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग किसी और प्रिपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी और जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से रेजिग्नेशन दे सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेजिग्नेशन किस तरीके से लेटर लिखा जाता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें सिर्फ हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं रेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर रिजाइन करना चाहते हैं और रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है और आप लोग रिजाइन करने की सोच रहे हैं इसके लिए कि आप लोगों को नेक्स्ट पोस्ट मिल जाए, एलएपी की एएलपी की पोस्ट मिल जाए, आरपीएफ के अंदर पोस्ट मिल जाए, एनटीपीसी की पोस्ट मिल जाए, एसएससी के अंदर आप लोगों को सीजीएल मिल जाए, तो आप लोग किस तरीके से रिजाइन करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में। तो देखिए आप लोगों जो है, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहे हैं और वहीं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी नेक्स्ट जो 1 लाख वैकेंसी आई हुई है, अभी आप लोगों ने जिस तरीके आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने भरा हुआ है अहमदाबाद रीजन, अब अहमदाबाद रीजन में आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती है और आप लोगों ने नेक्स्ट जो अब 1 लाख वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए आप लोगों ने दिल्ली रीजन भर दिया है, आप लोगों की नेक्स्ट वैकेंसियों में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या आप लोगों ने जो काम किया है, प्रीवियस काम किया है, उसका जो है एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकता है? तो हाँ, आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का रेजिग्नेशन प्रोसेस होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन में कुछ इस तरीके से होता है कि आप लोग सेम ग्रेड में अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, आप लोग पहले तो इसको नोटिफाई करना होगा आप लोगों को कि हमने 1 लाख वैकेंसी के लिए आप लोगों का फॉर्म भरा हुआ है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो आप लोगों को ईजिली होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलना, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि उन्होंने फॉर्म भराया, उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है। तो देखिए आप लोगों जब टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हैं तो आप लोगों का जो है, जितने आप लोगों का वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, आप लोगों की जो है सैलरी जैसे 18,000 से आप स्टार्टिंग करते हैं तो 1-2 साल में आप लोगों की 19,000 हो जाती है, 19,100 हो जाती है, तो इस तरीके से आप लोगों की इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये इंक्रीमेंट आप लोगों का वहाँ बेनिफिट ले सकते हैं आप लोग जब यहाँ पर आएंगे, आप लोग अपने होम टाउन में आप लोगों की नौकरी लगेगी, आप लोग ट्रांसफर होंगे या फिर आप लोग नेक्स्ट वैकेंसियों में अप्लाई करेंगे, तो वो सारा एक्सपीरियंस आप लोग नेक्स्ट वैकेंसियों में ले सकते हैं। अब अगर आप लोग नॉर्मल रेजिग्नेशन लेते हैं तो नॉर्मल रेजिग्नेशन में ये होता है कि नॉर्मल में आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, फिर आप लोग दोबारा से आप लोग 18,000 बेसिक से आप लोगों को स्टार्टिंग करनी पड़ती है, फिर दोबारा से आप लोगों को 2 साल का आप लोगों को पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, तो ये सब होता है। ये सिर्फ आप लोगों का सेम ग्रेड लेवल की पोस्ट में होता है, आप लोग अपर ग्रेड में नहीं होता। कि आप लोग अगर ग्रुप डी से ग्रुप सी में अगर आप लोगों का ट्रांसफर होता है या लेवल 2 से आप लोग लेवल 3 में जाते हैं तो आप लोगों का जो है नॉर्मल रेजिग्नेशन ही मिलता है, इसमें टेक्निकल नहीं मिलता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन में आप लोगों का प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है, आप लोगों का टेक्निकल रेजिग्नेशन कम ही मिलता है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का रिक्वेस्ट से काम बन जाए कि आप लोगों का टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया होता है। अब देख लेते हैं आप लोगों का जो है फाइन कितना भरना पड़ता है। तो देखिए आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी में और आप बात करें और किसी वैकेंसी में, तो एक बात कर लेते हैं, एक ही कैंडिडेट थे जो आप लोगों का यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हुए थे, तो उनको 2 साल से कम हुआ था, यानी आप उनको ऐसे 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो उनको जो 20 मंथ हुए थे, 4 महीने रह रहे थे उनके जो है कंप्लीट पीरियड होने में, लेकिन उससे पहले उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया तो उनको वहाँ से उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ा, तो उसमें उनको 1.5 लाख रुपये देने पड़े थे इस चीज़ का रिज़ाइन के लिए जब उनको एनओसी मिली थी। तो इसी लेवल पे आप लोग चेक कर सकते हैं ग्रुप डी में, अगर ग्रुप डी में आप लोग 2 साल से पहले आप लोग इस तरीके से रिज़ाइन देते हैं तो आप लोगों का अगर 1 साल हो जाता है तो 1 साल के लिए बात करें तो आप लोगों को 80,000 से 90,000 तो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों का सैलरी होगी, साथ में आप लोगों का जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो अगर आप रिज़ाइन देते हैं तो आप लोगों को ये सब तो देना ही पड़ेगा, उससे बेहतर है आप लोग रिज़ाइन ना दें। अगर आप लोगों को ग्रुप डी से ग्रुप डी में ही सिलेक्शन हो रहा है तो, और नॉर्मल रेजिग्नेशन मिल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी रिज़ाइन ना दें। आप लोग अपर ग्रेड की पोस्ट के बाद रिज़ाइन दे सकते हैं, 3 साल के बाद आप लोग ट्राई करके दे सकते हैं, 2 साल के बाद, 2 साल का पीरियड होता है उसको आप ट्राई करके आप लोग फिर ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों का एनटीपीसी में आप लोगों का 2 साल लग जाएंगे,
ये आप लोग सोच के चलिएगा। और एनटीपीसी की आप लोग की बढ़िया तैयारी चल रही है, तो आप लोग बेशक आरपीएफ के लिए मत छोड़िए, एनटीपीसी की तैयारी कीजिए। और ग्रुप डी में आप लोग रह रहे हैं तो ग्रुप डी में ही रहिए, और आप लोग आरपीएफ होने वाला तो आप लोग ग्रुप डी को ज्वाइन बिल्कुल मत कीजिए, आप लोग फिर आरपीएफ में ही जाइए। तो ये आप लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का रेजिग्नेशन के बाद एनओसी की। तो आप लोग अगर किसी प्राइवेट में काम करते हैं तो आप लोगों को एनओसी की जरूरत होती है या नहीं होती है? तो आप लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एनओसी की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जाकर आप अपने प्रोसेस में जा सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप लोगों को कोई भी एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सरकारी में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एनओसी की 100% कंपलसरी जरूरत होगी, क्योंकि वो भी आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, ये आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, तो आप लोग दो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, उसके लिए आप लोगों को वहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी। और एनओसी नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट रेजिग्नेशन लेटर भी दे ले सकते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। अब देख लिया आप लोगों का पूरा प्रोसेस था रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। सर्विस बॉन्ड के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बना चुका हूँ, सर्विस बॉन्ड किस तरीके से आप लोगों का होता है, कि आप लोगों का सर्विस बॉन्ड के अंदर कितनी आप लोगों को फाइन देना पड़ता है सर्विस बॉन्ड में। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी में एम्प्लॉई हैं, वो बहुत जल्द वहाँ से रिजाइन करने वाले हैं, तो उनका भी मैं आपसे लाइव एक्सपीरियंस शेयर करवाऊँगा। एक दो सप्ते के अंदर उनसे बातें हो जाएंगी, कितना उन्होंने फाइन दिया है, उनको 2 साल अभी टर्नओवर नहीं हुआ है, वो अप्रेंटिस से रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हुए थे तो उनका भी 2 साल नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर भी हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। जैसे ही उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कितना उन्होंने फ़ाइन दिया है, तो उनसे फिर आप लोगों का डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी तक लिए इतनी वीडियो थी आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी से, कि आप लोगों का रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या होता है, कितने रुपये आप लोगों को देने पड़ते हैं रेजिग्नेशन में, टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, नॉर्मल रेजिग्नेशन क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।